गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर 23rd चैप्टर आवर नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम और नेशनल सॉन्ग के बारे में आपको बताया गया। आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर। द ग्रीन कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए सैक्रिफाइस, बी फेथ, सी फर्टिलिटी एंड डी बोथ, डी एंड सी। इसमें आपका आंसर क्या होगा? फेथ एंड फर्टिलिटी, ठीक है, बोथ बी एंड सी। द ग्रीन कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर फेथ एंड फर्टिलिटी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी फर्स्ट कैंसर है, ठीक है। बी में है फेथ और सी में है फर्टिलिटी, तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। सेकंड क्वेश्चन है जन गण मन इज आवर नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग। यू नो अबाउट दिस, जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल फ्लावर। फोर्थ है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र। 24 स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र। 24 फिफ्थ हु कंपोज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपका था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर है आपका बोथ बी एंड सी, सेकंड नेशनल एंथम, थर्ड लोटस, फोर्थ 24 एंड फिफ्थ बंकिम चंद्र चटर्जी।
फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आवर नेशनल फ्लैग वाज हॉस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द डैस इन दिल्ली ऑन 15th अगस्त 1947। Our national flag was hoisted for the first time at the dais in Delhi, यहाँ पे याद होगा, Red Fort, at the Red Fort in Delhi on 15th August 1947. Red Fort. Originally, there are dash lines in our national emblem, four lines. The wheel in our national flag is called Dharm Chakra. Fourth है, the saffron color in our national flag stands for, the saffron color of our national flag stands for sacrifice and courage. Next one is, the dash is at Sarnath. इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट रेड फोर्ट, सेकंड फोर, ठीक है, फोर थर्ड धर्म चक्र, फोर्थ सैक्रिफाइस एंड करेज, एंड फिफ्थ अशोका स्पीयर। क्वेश्चन नंबर सी, टिक द राइट नेशनल सिंबल्स। इसमें जो है टिक करना है, जो भी नेशनल सिंबल है इंडिया का उसको टिक करना है।
फर्स्ट है नेशनल एम्बलम, आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं कौन सा है नेशनल एम्बलम। सेकंड है नेशनल एनिमल। थर्ड है नेशनल फ्लावर। फोर्थ नेशनल फ्रूट। फिफ्थ नेशनल बर्ड एंड सिक्स्थ नेशनल फ्लैग। तो इसमें से आपको दो में से एक टिक करना है जो सही है। टेस्ट पेपर वन, टेस्ट पेपर वन जो बेस्ट है चैप्टर वन बेस्ट ऑन चैप्टर वन टू 13 ये आपको कंप्लीट करना है। फिर दिस इज पेज नंबर 116 एंड 17। ठीक है, इसको आपको करना है कुछ से तो हम लोगों ने चैप्टर 23 जो कि लास्ट चैप्टर है उसको भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लिया है। और हम नेक्स्ट क्लासेस में फिर से एक बार रिवीजन कराया जाएगा आपको चैप्टर 13 से। चैप्टर 13 यानी कि आवर इंडस्ट्रीज, यहाँ से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, 12 तक का आप लोग ऑलरेडी जो है क्वेश्चन आंसर के साथ चैप्टर्स कंप्लीट किया जा चुका है और 13 से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है। तो हम लोग चूँकि रीडिंग सेक्शन जो है वो 23rd या लास्ट चैप्टर जो है वह समाप्त हो चुका है अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको करवाया जाएगा, है ना।
तो उससे पहले हम लोग रिविजन करेंगे, रिवाइज करेंगे चैप्टर्स 13 से नेक्स्ट क्लास से, है ना। तो आज का क्लास जो है छोटा है, लेकिन यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको करवा दिया गया है और बीच में शुरू करना सही नहीं होगा। दैट्स वाई हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, 13 चैप्टर से रिविज़न, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं ही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।